लॉकडाउन की वजह से रुद्रप्रयाग में टैक्सी चालक परेशान हैं। इन दिनों चार धाम यात्रा के चलते उन्हें अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी, वहीं अब उनका कामकाज ठप है, जिस वजह से टैक्सी चालक परेशान हैं। ऐसे में टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कारण जो भी आजकल बेरोजगारी छाई है, सबसे बड़ा बेरोजगार आज गाड़ी वाला बन गया, वाहन स्वामी बन गया, जिसकी अपनी रोजमर्रा का दिनचर्या चलती थी। और आज प्रत्येक घर में लगभग गाड़ियां थी लोगों की, और रोजगार का एक साधन बन चुका था, परंतु इस बीमारी के कारण और जो रोजगार समय है वो भी बंद हो गया है। लॉकडाउन की वजह से रुद्रप्रयाग में टैक्सी चालक परेशान हैं। इन दिनों चार धाम यात्रा के चलते उन्हें अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी, वहीं अब उनका कामकाज ठप है, जिस वजह से टैक्सी चालक परेशान हैं। ऐसे में टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कारण जो भी आजकल बेरोजगारी छाई है, सबसे बड़ा बेरोजगार आज गाड़ी वाला बन गया, वाहन स्वामी बन गया, जिसकी अपनी रोजमर्रा का दिनचर्या चलती थी। और आज प्रत्येक घर में लगभग गाड़ियां थी लोगों की, और रोजगार का एक साधन बन चुका था, परंतु इस बीमारी के कारण और जो रोजगार समय है वो भी बंद हो गया है। लॉकडाउन की वजह से रुद्रप्रयाग में टैक्सी चालक परेशान हैं। इन दिनों चार धाम यात्रा के चलते उन्हें अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी, वहीं अब उनका कामकाज ठप है, जिस वजह से टैक्सी चालक परेशान हैं। ऐसे में टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कारण जो भी आजकल बेरोजगारी छाई है, सबसे बड़ा बेरोजगार आज गाड़ी वाला बन गया, वाहन स्वामी बन गया, जिसकी अपनी रोजमर्रा का दिनचर्या चलती थी। और आज प्रत्येक घर में लगभग गाड़ियां थी लोगों की, और रोजगार का एक साधन बन चुका था, परंतु इस बीमारी के कारण और जो रोजगार समय है वो भी बंद हो गया है। लॉकडाउन की वजह से रुद्रप्रयाग में टैक्सी चालक परेशान हैं। इन दिनों चार धाम यात्रा के चलते उन्हें अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी, वहीं अब उनका कामकाज ठप है, जिस वजह से टैक्सी चालक परेशान हैं। ऐसे में टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कारण जो भी आजकल बेरोजगारी छाई है, सबसे बड़ा बेरोजगार आज गाड़ी वाला बन गया, वाहन स्वामी बन गया, जिसकी अपनी रोजमर्रा का दिनचर्या चलती थी। और आज प्रत्येक घर में लगभग गाड़ियां थी लोगों की, और रोजगार का एक साधन बन चुका था, परंतु इस बीमारी के कारण और जो रोजगार समय है वो भी बंद हो गया है। लॉकडाउन की वजह से रुद्रप्रयाग में टैक्सी चालक परेशान हैं। इन दिनों चार धाम यात्रा के चलते उन्हें अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी, वहीं अब उनका कामकाज ठप है, जिस वजह से टैक्सी चालक परेशान हैं। ऐसे में टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कारण जो भी आजकल बेरोजगारी छाई है, सबसे बड़ा बेरोजगार आज गाड़ी वाला बन गया, वाहन स्वामी बन गया, जिसकी अपनी रोजमर्रा का दिनचर्या चलती थी। और आज प्रत्येक घर में लगभग गाड़ियां थी लोगों की, और रोजगार का एक साधन बन चुका था, परंतु इस बीमारी के कारण और जो रोजगार समय है वो भी बंद हो गया है। लॉकडाउन की वजह से रुद्रप्रयाग में टैक्सी चालक परेशान हैं। इन दिनों चार धाम यात्रा के चलते उन्हें अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी, वहीं अब उनका कामकाज ठप है, जिस वजह से टैक्सी चालक परेशान हैं। ऐसे में टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कारण जो भी आजकल बेरोजगारी छाई है, सबसे बड़ा बेरोजगार आज गाड़ी वाला बन गया, वाहन स्वामी बन गया, जिसकी अपनी रोजमर्रा का दिनचर्या चलती थी। और आज प्रत्येक घर में लगभग गाड़ियां थी लोगों की, और रोजगार का एक साधन बन चुका था, परंतु इस बीमारी के कारण और जो रोजगार समय है वो भी बंद हो गया है।